फाइनली बेंगलोर पहुंच चुका हूँ आफ्टर 1 ईयर, तो अभी चलना पड़ेगा बेंगलोर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डब्ल्यू लाइफस्टाइल वंस अगेन। सो गाइस, आज है मेरा फ्लाइट गुवाहाटी से बेंगलोर तक, और आज लास्ट दिन है मेरा इधर रूम में, देख सकते हो। और इधर फुल पैकिंग कर लिया और गाड़ी में डाल लिया बॉक्स अब, और अभी जाऊंगा गुवाहाटी में। मतलब कल मेरा मॉर्निंग फ्लाइट है, सो सुबह इधर से मेरे घर से गुवाहाटी 100 किलोमीटर हो जाता है, तो इम्पॉसिबल हो जाता है सुबह जाना। इसलिए अभी जाके मेरा मामा के घर रहूंगा गुवाहाटी में। आफ्टर डेट वहाँ से मॉर्निंग चला जाऊँगा फ्लाइट में। सो आप लोगों को होल दिखाऊंगा जर्नी घर से लेके गुवाहाटी तक। तो वीडियो देखना आप लोग लास्ट तक, अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और अभी फादर मदर को थोड़ा प्रणाम करके सीधा निकल जाते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को गुवाहाटी में। फुल ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, देख सकते हो इधर गुवाहाटी में। अभी जस्ट गुवाहाटी पहुंचा, मतलब एंट्री भी नहीं किया अभी, सरायघाट ब्रिज भी एंट्री नहीं किया, तो देख सकते हो कितना ट्रैफिक है इधर। सो गाइस, फाइनली अभी सरायघाट ब्रिज। फुल ट्रैफिक ट्रैफिक। सो गाइस, अभी गुवाहाटी पहुंचते मतलब नाइट हो गया, और अभी पेट्रोल पंप में हूँ इधर इंडियन ऑयल का, अभी पेट्रोल डाल रहा हूँ। और यहाँ से मेरा मामा का घर करीबन और 5-10 किलोमीटर है, सो वहाँ तक जाऊँगा, और वहाँ से सीधा कल सुबह आऊँगा एयरपोर्ट तक। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। सो गाइस, अभी मॉर्निंग हो गया और अभी मामा के घर से निकल रहा हूँ एयरपोर्ट तक। देख सकते हो इधर, मतलब सब मामा लोग है इधर। और अभी यहाँ से जाऊंगा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में आप लोगों को मिलूंगा। इधर अभी गाड़ी निकल लिया, तो चलते हैं अभी एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में आप लोगों को मिलता हूँ। तो अभी चलना पड़ेगा बेंगलोर फाइनली 1 ईयर के बाद। बहुत ख़राब भी लग रहा है, अभी पूरा फैमिली मेम्बर को छोड़ के जाना पड़ रहा है मुझे इधर, और नहीं जाने से भी नहीं होता है, तो चलते हैं अभी। तो एयरपोर्ट रोड में एंट्री कर चुका हूँ अभी, और अभी सीधा इधर से एयरपोर्ट रोड स्टार्ट हो गया गुवाहाटी। फाइनली अभी पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट, और देख सकते हो मेरे पीछे इधर है एयरपोर्ट। और अभी सामान वामान निकालता हूँ यहाँ से और सीधा जाऊँगा। मतलब हमारे पास टाइम अभी है, करीबन मेरा फ्लाइट है 8:50 को, और अभी करीबन 7:20 जैसा हो गया है। तो अभी बैग निकाल लेता हूँ, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट के अंदर जाऊँगा, और आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ उधर जाके। तो बने रहना वीडियो में। अभी हूँ लाइन में, देख सकते हो इतना कितना बड़ा लाइन है इधर, और इधर भी देख सकते हो पूरा फुल लाइन है पीछे तक। मेरा ग्रैंड मदर लोग मुझे छोड़ने आया था इधर, ये लोग इधर है, इधर है, अभी यहाँ से चला जाएगा। तो हमको भी इधर से मतलब सिंगल चला जाना पड़ेगा, तो देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी हम एंट्री कर रहे हो इधर डिपार्चर 2 गेट से एंट्री कर रहे हो इधर, देख सकते हो। और अभी आ चुका हूँ अंदर, और इधर बैगेज चेकिंग होगा अभी, देख सकते हो इधर। तो बैगेज वगैरह चेक करके अभी हम वेब चेकिंग करके बोर्डिंग पास भी ले लिया, अभी हमारा कुछ टेंशन नहीं है इधर। तो बैग चेकिंग करके हम सीधा चला जाऊँगा और ऊपर सिक्योरिटी चेक के लिए, उसके बाद सीधा गेट नंबर में जाके बैठूंगा, उसके बाद सीधा फ्लाइट में बैठ के जाऊँगा बेंगलोर। तो वीडियो आप लोग बेंगलोर तक देखना लास्ट तक। अभी चला जा चुका है फाइनली। वेट आ गया है हमारा बैग इधर, 2 बैग। पहले इधर ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर जाने के बाद ही सिक्योरिटी चेक होता है, बट अभी इधर नीचे ही डाल दिया बिकॉज ऑफ कोरोना। तो गाइस, फाइनली अभी चेकिंग वेकिंग हो गया है, और अभी गेट नंबर 4 में हूँ इधर, थोड़ा सब पैसेंजर जाने के लिए अभी बोर्डिंग होना पड़ेगा, उसके बाद सीधा बेंगलोर। गाइस, इधर हमारा मिल चुका है, अभी ऐसा लगाना पड़ेगा ऐसे। तो
फाइनली अभी टाइम आ चुका है, अभी बेंगलोर आया हूँ मैं। ये 20 फरवरी को मेरा 1 ईयर हो जाएगा घर जाना हुआ। लॉकडाउन में पूरा लॉकडाउन से पहले गया था घर, और आज फाइनली बेंगलोर पहुँच चुका हुआ आफ्टर 1 ईयर। तो अच्छा भी लग रहा है और बहुत मतलब सेट भी हूँ, बिकॉज घर से मतलब आना पड़ रहा है इधर। और हेलमेट देख सकते हो इधर, एक टूट गया ये रस्सी। तो अभी चलते हैं बाहर और उबेर उबेर पकड़ के सीधा रूम में जाएंगे। फाइनली अभी पूरा उबर बुक कर लिया, अभी और उबर पॉइंट तक जा रहा हूँ अभी पैदल, देख सकते हो दोनों। कैसा लगा बेंगलोर में आके आफ्टर 1 ईयर्स, कैसा लगा आके? अच्छा नहीं लगा। क्यों? मतलब 1 ईयर्स रह के घर में आ गया ना, अगर जाके एकदम जल्दी से आता तो मतलब सेट नहीं, फील नहीं करता। इधर ये उबर पॉइंट देख सकते हो, और इस तरफ है ओला पॉइंट। तो अभी उबर बुक किया तो उबर पॉइंट से जाऊंगा। और गाइस ये जो होटल देख रहे हो आप लोग, ये ताज, जो ताज होटल है मुंबई में, वो सेम ओनर का ही यही है ताज होटल। और इसमें मेरा पहले बहुत मतलब इधर बहुत घूमने आता था पहले, आगे पूरा फोटो वोटो भी है बहुत इधर। तो गाइस इधर ऐसे लिखा हुआ है देख सकते हो, उबर एक्सेल। अगर आप उबर एक्सेल बुक किया तो इधर ये काउंटर में गाड़ी आएगा, और उबर प्रीमियर किया तो ये नंबर 3 काउंटर में आएगा। और मैं उबर गो किया मतलब कम प्राइस वाला, तो मेरा 10 नंबर में जाना पड़ेगा। इधर नंबर लिखा हुआ है देख सकते हो इधर, तो अभी 10 नंबर में जाके उबर गो पकड़ूंगा। और ये रहा मेरा इधर उबर गो का काउंटर नंबर 10, और इधर ये सब जो लाइन दिख रहा है आप लोगों, ये उबर गो का है। सो गाइस फाइनली अभी आ चुका हूँ उबेर में, और अभी और मेरा रूम तक करीबन 20 किलोमीटर जैसा है, तो अभी जाना पड़ेगा वहाँ तक। और जाके रूम का भी हालत अभी पता नहीं, 1 ईयर पहले रूम लॉक करके गया था, अभी तक ऐसा ही है, ऐसे ही मतलब मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ मतलब 1 ईयर से, और पूरा रूम का हालत भी बहुत ख़राब हो चुका है। अभी जाके पूरा वो करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को रूम दिखाऊंगा।
तो देखता हूँ अभी रूम जाके क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो चलते हैं अभी थोड़ा बहुत बेंगलोर देख लो आप लोग, उसके बाद जाएंगे। यार मैं देख सकते हो ये जगह में मतलब पेट्रोल पंप नहीं था, इधर पेट्रोल पंप भी हो चुका है और हमारा प्लेस अभी पहुंच चुका हूँ इधर। ये है हॉर्स भवन, कितना बड़ा ह्यूज है देख सकते हो ये हॉर्स भवन, और ये वाला बिल्डिंग ही है मेरा, तो यही बिल्डिंग है गाइस मेरा रूम, ये इसके पीछे ये वाला। और गाइस अभी फाइनली रूम पहुंच गया हूं मैं, और मेरा जो बाइक था गाइस फर्स्ट इधर पार्क किया था, तो मैं जब वन ईयर के लिए मतलब घर चला गया था, ओनर को भी मतलब थोड़ा वो हो गया, मतलब थोड़ा तो डर रहेगा ना वन ईयर रूम एक छोड़ के ऐसे चला गया, तो मेरा बाइक जो है ओनर यहाँ से लेके अंदर देख सकते हो इधर। देखो गाइस ये है मेरा बाइक NS 200, तो ऐसा हालत में है, तो बाइक का कंडीशन बहुत खराब है इधर, आप लोगों को दिखाऊंगा बाइक, बाइक के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट, तो देखना आप लोग। गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग में अभी जस्ट सोके उठा हूँ, और गाइस कल का ब्लॉग इन नहीं किया था मैं, जो आप लोगों को ट्रेवल दिखाया था मेरे घर से लेके गुवाहाटी और गुवाहाटी से लेके बेंगलोर तक, सो गाइस अभी वो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना, और आज नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मतलब इनिंग वाला पॉइंट। सो कल मैं पहुंच गया था इधर रूम में, और रूम बहुत गंदा हुआ था, तो रूम बड़ा साफ बाफ किया तो उधर टाइम चला गया बहुत, और ये है मेरा रूम देख सकते हो। अभी ये रूम भी मैं खाली करने वाला हूँ, अभी दूसरा लोकेशन में शिफ्ट करने वाला हूँ, जितना भी गंदा कचरा था पूरा इधर सब सामान इधर पूरा पैक कर दिया, अभी इसको फेंकना पड़ेगा। उसके बाद इधर अंडर है एज यू कैन सी मेरा रूम देख सकते हो, इधर ये मेरा रूम था, तो इधर ही मैं करीबन 2 ईयर्स था, और अभी कल नाइट को आके इधर ही सो गया था, बिकॉज ये जो बेड है ये बेड भी टूटा हुआ पड़ा है इसलिए इधर सोया था। तो अभी जल्दी से जल्दी इसको भी ये रूम जो है शिफ्ट करने वाला हूँ मैं, और दूसरा रूम लूंगा, और दूसरा रूम का भी ब्लॉग आप लोगों को दूंगा मैं, तो वीडियो आप लोग देखना वो वाला ब्लॉग भी, और ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और चैनल में न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना मेरा न्यू फ्यूचर कंटेंट के लिए। तो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी गाइस। আজৰি খুজিব নোৱাৰো আগৰ কথাবোৰ ভাবি ৰৈ চাৰিওফালে মিছা মাতৰে সুহৰি ধৰিব পৰা নাই এই জীৱন, নাজানো ৰুবতো যাব নোৱাৰো ঘূৰাই দিয়া মোক ভুল আছন।